दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई। इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ अहम बातों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें से कुछ बातें इस प्रकार से हैं। पहला है बॉन्ड यील्ड के बारे में। शुक्रवार को 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में 0.9% की उछाल देखने को मिली है। यह 7.007% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दूसरा है महंगाई के दर के बारे में। आरबीआई ने सालाना महंगाई दर को 4.5% से बढ़ाकर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। तीसरा है जीडीपी ग्रोथ के बारे में। वहीं आरबीआई ने FY 22-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.8% से घटाकर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। चौथा है CPI इन्फ्लेशन के बारे में। आरबीआई ने CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। पांचवा है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट पिछली बार की तरह 4% पर बरकरार रखा गया है, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% यथावत रखा गया है। यह 11वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया गया था। छठवां है बिना एटीएम कार्ड के कैश निकालना। भारत के बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के लिए कार्डलेस पेमेंट की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है। इस सुविधा की मदद से आप बिना कार्ड के भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम में कार्डलेस निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। इससे पहले यह सुविधा कुछ बैंकों के एटीएम तक ही सीमित थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल साथ बने रहें।